तुम्हारा सुहाग गुजर जाएगा तुलसी, बेकार में मैंने उनसे पंगा लिया तुलसी, पता नहीं आज उनका मूड कैसा होगा। आपको कुछ नहीं होगा तो जी। मैं नहीं पता तुलसी, जिसे मैं स्वीट खिलाकर खुशी मना रहा था वो टेररिस्ट थे, मैंने उनको बोला मैं आतंकवादियों की टंगड़ी का कबाब बनाकर खाऊंगा। बाप रे, उन्होंने मुझे मारने का प्लान भी बना लिया होगा, अब मैं नहीं बचूंगा, बिल्कुल नहीं बचूंगा। वो आपको मारने आएंगे? हाँ, मैं सारे देश में तहलका मचाने वाले मुझे कैसे छोड़ देंगे? आपको मारने के लिए साजिश की क्या जरूरत? वो देखो जहाँ से जा रहे हैं वो लोग, कुकर की आवाज है। उस कुकर को उठाकर बाहर फेंक दो वरना मेरी जान चली जाएगी। आपको कुछ नहीं होगा जी, आपको मारने के लिए वो जिंदा नहीं बचेंगे। सच कह रही हो ना? हाँ जी। आप एक काम कीजिए, वो न्यूज चैनल देखना बंद कर दीजिए, मेरे जैसे टीवी सीरियल देखिए, सेट हो जाइएगा। चलिए डरिए मत, आइए चलिए संभल कर। पकड़े गए हैं ना सर? Yes. वो कौन से ग्रुप के हैं सर? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर, उनके बारे में और क्या पता चला बताइए ना प्लीज सर। वेट, जल्दी सच सामने आ जाएगा। सर प्लीज वेट। अरे ये क्या, पुलिस तो कह रही है कि फिदायन को अरेस्ट कर लिया है, जबकि हमारे फिदायन तो यही है। शायद वो फिदायन दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, फिर भी मैं ये बात कमांडर को बताऊंगा। ठहरो, शायद पुलिस इसी मौके के इंतजार में है, क्योंकि हमें पकड़ने के लिए उनके पास कोई सुराग नहीं है। पहली बार आजम का काम नाकाम हुआ है, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन इस बार मैंने अमेरिका, लंदन, यूके और हिंदुस्तान में ब्लास्ट के जिम्मेदार मंसूर को बुलाया है, तब तक हमें एहतियात बरतनी होगी। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या अल्ताफ मियां, कोई प्रॉब्लम? जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। फिलहाल तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी हमें नए ठिकाने का इंतजाम करना होगा। आप बेफिक्र रहिए, यहाँ पर हमें पना देने वाले बहुत सारे लोग हैं, इंतजाम हो जाएगा। तुम लोग टेररिस्ट नहीं हो? हाँ, टेररिस्ट को मारने आए हो, शायद मुझे मानना पड़ेगा। यस, मानना ही पड़ेगा, हमारे कल को जाने के बाद आप भी यही बात कहेंगे, और ये आप ही नहीं दुनिया का हर आदमी ऐसा ही कहेगा, हमेशा कहेगा। मेरा नाम भानु है, मेरे माँ बाबूजी का जन्म और पढ़ाई सब कुछ यहीं हुई, मेरी जॉब यूएस में थी। यूएस में होने के बावजूद भी कभी भी मैंने अपनी फैमिली को मिस नहीं किया, लेकिन जब पहली बार यूएस से इंडिया लौटी तो उस दिन। I'm sorry. रहने दो। ये लेजर शो काफी बढ़िया है, इस शो से अच्छी सीख भी मिलेगी। हाँ पापा, सच में मैं नहीं जानती थी तेरे बारे में बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तेरे बारे में ही बोल रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ तू कौन है, कैसा है। क्यों नहीं लेंगे? I'll go and bring popcorn. ये सब मुझे नहीं चाहिए बेटी, तो कुछ अच्छा खाने के लिए लाती नहीं है बेटा। मत जाओ बेटा, शुरू होने वाला है, स्टार्ट हो जाएगा। अभी टाइम है माँ, जस्ट आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स। मत जाओ, मैं कह रहा हूँ तुम भी बहुत। चुप करो लू। ठीक है बेटी, मत जाओ, शो स्टार्ट हो जाएगा। अरे इसको समझाती नहीं हो, तू भी साथ में जाना। अरे मम्मी जरा देखने दो। उनके साथ मैंने 2 दिन 2 मिनट बिता लिए, लेकिन वो जिंदगी के आखिरी पल होंगे, किसने सोचा था।
जब कोई बच्चा रोता है तो उसके माँ को उसके भूखे होने का एहसास होता है, लेकिन मेरा भाई भूखा है या प्यासा, किस परिस्थिति में है ये वो कभी नहीं बता सकता। उसे क्या हुआ ये उसे खुद ही नहीं पता। असल में वो जिंदा है या नहीं, उसके शरीर में जान है या नहीं, वो खुद भी नहीं जानता। एक शरीफ लड़का जब किसी साजिश का शिकार होता है तब उसकी माँ पर क्या बीतती होगी, वो कब ठीक होगा और अपनी जुबान से उसे फिर से माँ कब बुलाएगा, इस इंतजार में वो हर पल तड़पती रहती है। हमने ऐसा क्या पाप किया है, किसे धोखा दिया जो हमें भुगतना पड़ रहा है? ऐसा करने वाले को मारना गुनाह है क्या? नहीं, बल्कि नहीं मारना गुनाह है। प्यारी सी और मासूम बहन थी मेरी, उसकी नटखट सी हरकतों से हमारा घर खिला खिला रहता था। उस दिन मेरी छोटी बहन ने जिद की और मैंने लुम्बिनी पार्क लेजर शो देखने के लिए घर वालों के मना करने के बावजूद भी उसे जाने दिया। बाय। मेरी बहन वहां से कैसे लौटी जानते हैं आप? आखिर में उसकी निशानी क्या मिली जानते हैं आप? उसकी यादें आखिरी बार घर से निकलते वक्त उसके हाथों से टाटा करना टाटा करना ही रह गया। मेरी माँ की कमी मुझे कभी महसूस नहीं हुई। मेरे पिताजी ने मेरी हर जरूरत को माँ की तरह पूरा किया है सर। वो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। हेलो बेटा। हाँ बाबा। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे इंजीनियरिंग की बुक्स ले लिया हूँ, साथ में और कुछ चाहिए क्या? नहीं पापा बस। ठीक है, मैं आता हूँ बेटा। नहीं बाबा आप मत आओ, मैं वहीं आता हूँ, आपको ले लूंगा। बेटा मैं इधर गोकुल चाट के पास ही हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, संभाल कर आना, मैं इधर ही वेट। उनसे आखिरी बार बात की थी, हमेशा मेरी आंखों के सामने रहने वाले मेरे पापा को मैं लाश के ढेर में बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाया था। उनका वो चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने है। ऐसी हरकत करने वालों को ऐसे जल्लादों को किसी भी हालत में मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गुस्सा आ रहा है ना, दिल जल रहा है ना? आपको जैसा लग रहा है वैसा ही मुझे भी लगा था, इसीलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा करने वाले खुद ब खुद इसकी सजा पाएंगे, ये सोचकर हम लोग कभी चुपचाप तो नहीं बैठ सकते ना? मासूमों के मन में दहशत फैलाने वाले इन आतंकवादियों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने इस बात का प्रण लिया हुआ है, जब तक इन सबको मिटा नहीं देंगे चैन नहीं लेंगे। वो लोग कुछ लोगों को मारकर अपने आप को जीता हुआ समझ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्हीं में से कुछ लोग उनकी मौत बन गए हैं। अगर कोई अपना धर्म कर्तव्य भूल जाता है तो उसे याद दिलाना जरूरी हो जाता है। यस यस आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं मैं, लेकिन उन टेररिस्ट को मारने के लिए उनके ठिकाने का भी पता होना चाहिए। मैं अपनी उस याद को ताजा किए जिंदगी के एक एक पल को उनको याद कर घुट घुट कर जी रही थी। उस दिन मैंने अचानक वीडियो में उस आदमी को बॉम्ब रखते हुए देखा। उस राक्षस ने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया, मेरी आशा, मेरी जिंदगी को जलाकर खाक कर दिया। तुम्हें हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। आप जानते हैं कानून, कोर्ट और सजा, इससे उसे 15 साल जिंदा रहने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उसे मुझे किसी भी हालत में मारना था। मैं अपने घर वालों को रोज याद करती हूँ या नहीं शायद मुझे नहीं पता, लेकिन उन गुनहगारों को मैं पल पल याद करती हूँ। देखते ही देखते महीने,
सालों गुजर गए। और अचानक एक दिन वो मुझे दिखाई दिया। मेरे माता पिता को मारने वाला वो शख्स अचानक मेरे सामने आया और मैं हैरान हो गई। मैंने उसका पीछा किया।